अपना क्रूस उठाए हुए वह उस स्थान पर गया जिसे खोपड़ी का स्थान कहा जाता था। इसे इब्रानी भाषा में गुलगुता कहते थे। वहां से उन्होंने उसे दो अन्य के साथ क्रूस पर चढ़ाया, एक इधर दूसरा उधर, और बीच में यीशु। पिलातुस ने दोष पत्र क्रूस पर लगा दिया। इसमें लिखा था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। बहुत से यहूदियों ने उस दोष पत्र को पढ़ा, क्योंकि जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था वह स्थान नगर के पास ही था, और वह ऐलान इब्रानी, यूनानी और लातिनी में लिखा था। प्रमुख यहूदी नेता पिलातुस से कहने लगे, यहूदियों का राजा मत कहो, बल्कि कहो उसने कहा था कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। सिपाही यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उन्होंने उसके वस्त्र लिए और उन्हें चार भागों में बांट दिया, हर भाग एक सिपाही के लिए। उन्होंने कुर्ता भी उतार लिया, क्योंकि वह कुर्ता बिना सिलाई के ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, इसे फाड़े नहीं बल्कि इसे कौन ले, इसके लिए पर्ची डाल लें, ताकि शास्त्र का यह वचन पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र के लिए पर्ची डाली। इसलिए सिपाहियों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माँ, मौसी, क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मग्दलीनी खड़ी थी। यीशु ने जब अपनी माँ और अपने प्रिय शिष्य को पास ही खड़े देखा तो अपनी माँ से कहा, प्रिय महिला, यह रहा तेरा बेटा। फिर वह अपने शिष्य से बोला, यह रही तेरी माँ। और फिर उसी समय से वह शिष्य उसे अपने घर ले गया। के बाद यीशु ने जान लिया कि सब कुछ पूरा हो चुका है। फिर इसलिए कि शास्त्र सत्य सिद्ध हो, उसने कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा एक बर्तन रखा था, इसलिए उन्होंने एक स्पंज को सिरके में पूरी तरह डुबोकर हिस्सप अर्थात जूफे की टहनी पर रखा और ऊपर उठाकर उसके मुंह से लगाया। फिर जब यीशु ने सिरका ले लिया तो वह बोला, पूरा हुआ। तब उसने अपना सिर झुका दिया और प्राण त्याग दिए। यह फसह की तैयारी का दिन था। सप्त के दिन उसके शव क्रूस पर न लटके रहे, क्योंकि सप्त का वह दिन बहुत महत्वपूर्ण था। इसके लिए यहूदियों ने पिलातुस से कहा कि वह आज्ञा दे कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं और उनके शव वहां से हटा दिए जाएं। तब सिपाही आए और उनमें से पहले की और फिर दूसरे व्यक्ति की जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे टांगे तोड़ी। पर जब वे यीशु के पास आए उन्होंने देखा कि वह पहले ही मर चुका है, इसलिए उन्होंने उसकी टांगे नहीं तोड़ी।
पर उनमें से एक सिपाही ने यीशु के पंजर में अपना भाला बेधा, जिससे तत्काल ही खून और पानी बह निकला। जिसने यह देखा था उसने साक्षी दी और उसकी साक्षी सच है। वह जानता है कि वह सच कह रहा, ताकि तुम लोग विश्वास करो। यह इसलिए हुआ कि शास्त्र का वचन पूरा हो, उसकी कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। और धर्मशास्त्र में लिखा है, जिसे उन्होंने भाले से बेधा वे उसकी ओर ताकेंगे। इसके बाद अरमतियाह के यूसुफ ने, जो यीशु का एक अनुयायी था किंतु यहूदियों के डर से इसे छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि उसे यीशु के शव को वहां से ले जाने की अनुमति दी जाए। पिलातुस ने उसे अनुमति दे दी, सो वह आकर उसका शव ले गया। निकुदेमुस भी, जो यीशु के पास रात को पहले आया था, वहां कोई 30 किलो मिला हुआ गंधरस और एलवा लेकर आया। फिर वे यीशु के शव को ले गए और यहूदियों के शव को गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंधित सामग्री के साथ कफन में लपेटे। जहाँ यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था वहाँ एक बगीचा था, और उस बगीचे में एक नई कब्र थी जिसमें अभी तक किसी को रखा नहीं गया था, क्योंकि वह सब की तैयारी का दिन शुक्रवार था और वह कब्र बहुत पास, इसलिए उन्होंने यीशु को उसी में रखा।